गैस अगर आप 2024 में न्यूजीलैंड कंट्री मूव होना चाहते हो तो ये वीडियो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यूजीलैंड के एक्रेडिटेड एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा के बारे में और साथ में बात करेंगे न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो दो ऐसे ट्रेंडिंग वीज़ा इस टाइम पर न्यूजीलैंड के जो कि सबसे ज़्यादा इंडियंस इन्हीं वीज़ा के थ्रू न्यूजीलैंड में एंटर हो रहे और यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपये आपको मिनिमम सैलरी मिलता है। अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी की जॉब भी करते हो न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर तो भी आप यहाँ पर 1.5 से लेकर 2 लाख रुपये पर मंथ अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ में दो गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास स्टैम्प पर अवेलेबल है न्यूजीलैंड का एक्रेडिटेड एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा। ये वीज़ा दोस्तों बेसिकली 5 साल के लिए होता है और इसमें अगर आपका एजुकेशन 10 क्लास है फिर 8 क्लास है तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। जिस बंदे को इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना वो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप DM कर दीजिए हमें इंस्टाग्राम पर या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पर। तो गाइस बेसिकली मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में दो तरीके बताऊँगा न्यूजीलैंड में मूव होने के। फर्स्ट तरीका ये है कि जिसमें आपका जो वीज़ा हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको 9,50,000 पे करना है और बाकी का सारा प्रोसेस हम लोग करके देंगे। वीज़ा आपके हाथ में देंगे, पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। पासपोर्ट भेजिए, फोटो भेजिए, अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट भेजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना, दैट्स इट। 3 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा और इस वीज़ा का कॉस्ट हम लोग ने रखा है 9.50 लाख इंडियन रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 9.5 लाख रुपये में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा और आप डायरेक्टली न्यूजीलैंड मूव हो सकते हो। इसमें आपको दोस्तों कहीं पर भी जॉब अप्लाई नहीं करना, कहीं पर भी CV नहीं बनाना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सारा प्रोसेस हम करके देंगे। एंड एक और गाइज आपके लिए सुविधा हो जाएगी, जिन लोग के पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो उनके लिए ऑफर है। अगर आपके पास में इतना अमाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ पे करके बाकी का अमाउंट आपकी सैलरी से हम लोग कट करेंगे न्यूजीलैंड जाने के बाद में। तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा, 5 साल का वर्क वीज़ा। ठीक है, एक गुड न्यूज़ ये था। अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर आपका बजट नहीं है, आप 4 लाख रुपये जस्ट इंडिया में पे करिए, बाकी का अमाउंट आपकी सैलरी से कट होएगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। जॉब क्या रहेगा दोस्तों, एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब है, फ्रूट पिकिंग का जॉब है, वेयरहाउस वर्कर का जॉब है, इस तरह की जॉब रहेगी। ज़्यादा यहाँ पर आपको हार्डवर्क भी नहीं करना, 8 से 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी, दैट्स इट। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, यहाँ पर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते। सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड फॉर्मेट का एक CV कल्टर बनवाना पड़ेगा, आप खुद ही बना सकते हो और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमें भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपके बिहाफ पर अप्लाई करके देंगे जॉब एंड आपका CV का लेटर बना के देंगे। इसमें बहुत ही कम आपका खर्च आएगा, मैक्सिमम दोस्तों 4,000 से 5,000 के अंडर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में बहुत ही कम खर्च आएगा, ओनली आपको CV का लेटर बना के डेली बेसिस पर 10 से 12 कंपनी को अपना CV सेंड करना और जो भी कंपनी के अंदर आपका CV सेलेक्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद में आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू होने के बाद में आपका वर्क वीज़ा लग जाता है। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, 3 से 4 महीने का टाइम आपको लग जाएगा और जो हम आपको शॉर्ट वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें दोस्तों 3 से 4 महीने का टाइम आपको लग जाएगा। एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर 9.5 लाख रुपये पे करके डायरेक्टली वीज़ा ले सकते हो और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप CV का लेटर बना के जो अप्लाई करके भी आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा ले सकते हो न्यूजीलैंड का। तो ये तरीका उनके लिए दोस्तों जिनके पास में इतना पैसा नहीं है, उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने में बड़ा ही आसान सा तरीका, सबसे पहले आपको CV सेंड करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, उसके बाद में आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, इन सारी प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप खुद से सारा प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पर एजेंट का कोई भी रोल नहीं रहता। अगर आप किसी भी एजेंट को बीच में डालोगे, किसी भी वीज़ा एक्सपर्ट की आप एडवाइस लोगे या फिर उसको बीच में डाल के काम कराओगे तो देखिए कोई भी बंदा आज के टाइम में बिना पैसे का आपका काम नहीं करके देगा। सपोज़ कीजिए मैं एक एजेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई वीज़ा आता है 10 लाख में, फिर 11 लाख में, तो मैं ऐसा नहीं कि आपको उसी अमाउंट में वो वीज़ा आपको प्रोवाइड करा के दूंगा। मैं उसके लिए आपसे 12 भी चार्ज कर सकता हूँ, 12 लाख या फिर 13 लाख भी चार्ज कर सकता हूँ, जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी भी एजेंट को अगर पकड़ते हो बीच में लाते हो तो कोई भी एजेंट आपसे बिना पैसे का काम नहीं करके देगा एंड बहुत सारा कमीशन आपसे बीच में मार लेगा। तो बेस्ट तरीका यही है, अगर आपका कम बजट है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो आप किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, आप खुद से भी ऑनलाइन जॉब अप्लाई करके थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर। तो चलिए गाइस मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा जॉब है, कैसा आपको अप्लाई करना है एंड अगर आपको ये सारा प्रोसेस हमारे थ्रू करना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपके बिहाफ पर जॉब अप्लाई करके भी देंगे, साथ में आपका CV का लेटर बनाएंगे। हमारी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी प्रोफेशनली वर्क करते हैं एंड आपको जॉब पाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो जॉब दिखाता हूँ जिसमें आपको 9.5 लाख रुपये पे करना, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में फ्री जॉब आप कैसे मिलेगी वो भी आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर ले आकर। तो यह है दोस्तों न्यूजीलैंड का
वर्क वीजा 5 साल का, ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू भी आपको नहीं देना, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, सर्विस चार्जेस फ्रॉम सैलरी। और यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो है दोस्तों 3,500 से लेके 4,000 न्यूजीलैंड डॉलर, और 1 न्यूजीलैंड का डॉलर है दोस्तों 50 इंडियन रुपीज के बराबर। इंडियन रुपीज की बात करें तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 1,75,000 से लेके 2 लाख इंडियन रुपीज पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हो। जॉब है दोस्तों पैकिंग हेल्पर की जॉब है। इसमें फ्रेशर, ईसीआर पासपोर्ट या फिर ईसीएनआर पासपोर्ट दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन 7-8 क्लास हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ड्यूटी आवर्स डेली बेसिस पर रहेगा, वीकली वर्किंग है, आप 5 दिन यहाँ पर काम करोगे। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 to 4 month। एज लिमिट आपका रहेगा 21 से लेकर 47 ईयर तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और वीज़ा रहेगा आपका 3 से 5 साल तक का वीज़ा आपको मिलेगा। जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस वर्क वीज़ा का कॉस्ट है दोस्तों 9.50 लाख इंडियन रुपीज़। तो अगर आपको ये डायरेक्टली वीज़ा चाहिए, यहां पर आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है, तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों जिसमें आपको सीवी कल्टर बनाना पड़ेगा, इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और उसमें भी इतना ही टाइम लग जाएगा, 3 महीना भी लग जाएगा उसमें। तो दोनों का प्रोसेस टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप अगर फ्री वाले में ट्राई करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हो, आपके सारे पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना, जस्ट आपके पास में एक न्यूजीलैंड फॉर्मेट का सीवी चाहिए, कवर लेटर चाहिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है दैट्स इट। आप यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपना सीवी इनको भेज सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाया, तो इस टाइम पर अगर आप वेयर हाउस के अंदर भी जॉब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितनी सारी जॉब है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 9,469 जॉब्स अवेलेबल है ओनली वेयर हाउस वर्कर की जॉब है। तो यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, वेयर हाउस की जॉब है, पिक एंड पैकर का यहाँ पर आपको काम करना है, जैसे सामान आता है उसको अंदर डिस्प्ले करना पड़ता है। तो फिजिकल आप यहाँ पर फिट होना चाहिए, और ऑलमोस्ट 25 kg तक अगर आप वेट लिफ्ट कर सकते हो, फिजिकली फिट हो। तो गाइस यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ ये दोस्तों फ्री तरीका है, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना किसी को भी। अगर आप ओनली सीवी कल्टर बना लेते हो अपना प्रोफेशनल, तो यहाँ पर आपको ओनली सीवी अपलोड करना और इंटरव्यू क्रैक करना, और आपके यहाँ पर काम हो जाएगा। और अगर आपको हमारे थ्रू सीवी बनाना, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपको बना के दे देंगे, और आप फिर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना नहीं भी आता तो भी हम आपके बिहाफ पर अप्लाई करके देंगे, और आपके जॉब पाने के चांसेस 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों nz.zora.com, इस वाली वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना। और यहाँ पर फ्रूट पिकिंग की बहुत सारी जॉब है अनस्किल्ड कैटेगरी में, अगर आपका एज 18 to 50 है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशन 8 या फिर 10 क्लास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो इस टाइम पर बहुत सारी जॉब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो, फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 23 से लेके 25-29 डॉलर आपको 1 घंटा काम करने का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीजनल विनयार्ड के अंदर यहाँ पर जॉब है, बाग बगीचे के अंदर, ओके भी फ्रूट पिकिंग की भी जॉब है, जिसमें आपको 27 से लेकर 32 डॉलर मिलेंगे 1 घंटा काम करने के। तो गाइस अगर आप यहाँ पर वेयरहाउस के अंदर भी काम करते हो तो भी 2 लाख रुपये बड़े आराम से अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए कोई एक जॉब यहाँ पर हम आपको दिखाए, तो अप्लाई करके कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना, तो एक तो ये वाला वेबसाइट है, दूसरा वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो एप्पल फार्म के अंदर भी यहाँ पर जॉब है, जिसमें आपको 23 डॉलर से लेकर 27 डॉलर 1 घंटा काम करने का मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर अप्लाई करने का, यहाँ पर आपको क्विक अप्लाई पे क्लिक करके अपना सीवी और कवर लेटर यहाँ पर अपलोड कर देना, उसके बाद में आपको इंटरव्यू होगा, देन यहाँ पर ये लोग आपको वर्क वीज़ा इशू करते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड कवर लेटर पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर अपलोड सीवी पे क्लिक करके यहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको ऐड कर देना, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको जो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ऑकलैंड के अंदर, जो कि कैपिटल है न्यूजीलैंड का। तो यहाँ पर आपको ऑकलैंड में बहुत सारी जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको 25 से लेकर 26 डॉलर मिल जाएगा, और 5 डेज ओनली आपको काम करना है, सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगा, एजुकेशन कम है तो भी चल जाएगा। तो डिलीवरी बॉय की यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, और अगर आपको कंपनी दूर भेजती है कहीं पर डिलीवरी लेकर, तो बाद में यहाँ पर आपको कमीशन वगैरह भी मिलता है। तो इस तरह से मान के चलिए 2 से 2.5 लाख रुपये आप आराम से अर्निंग कर सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर। इंडिया में अगर ये काम करोगे तो आपको 15 या फिर 20 हज़ार रुपये मिल जाएगा, इसके ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सेम काम अगर आप फॉरेन कंट्री अगर करते हो लाइक न्यूजीलैंड, तो आप यहाँ पर लाखों में रुपया अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको अप्लाई करना, साइन अप कर लेना यहाँ पर एप्लीकेशन को, और अपना सीवी इनको सेंड करना। अगला दोस्तों यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की भी आपको जॉब देखने मिल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की आपको जॉब मिल जाएगी न्यूजीलैंड में, और उसी के साथ दोस्तों क्लीनर वेयरहाउस की जॉब आपको मिल जाएगी, स्टेकर की जॉब मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पर ऑफिस क्लर्क का काम करना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगी। सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है न्यूजीलैंड के अंदर, तो फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब मिल जाएगी,
स्टोर कीपर की आपको जॉब मिल जाएगी, कैशियर की जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी जॉब है न्यूजीलैंड के अंदर जो कि आपको काफ़ी इजीली मिल जाती है अगर आपके प्रोफाइल अच्छा है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो क्विकली आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो। तो यहाँ पर अपना सीवी इनको भेज देना और अपना कवर लेटर अटैच कर देना पीडीएफ फॉर्मेट में, दैट्स इट, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर आपको देना पड़ेगा तभी दोस्तों आपको ये वीज़ा फ्री में मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितना पैसा आपको लग जाएगा। ये फ्री प्रोसेस है उन सभी के लिए जिनके पास में पैसे का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको सीवी ऐड कर देना, अपना कवर लेटर ऐड कर देना और यहाँ से कंपनी को आपको इंटरव्यू आएगा, उसके बाद में आपको कंपनी का इंटरव्यू फेस करना, दैट्स इट। ये तरीका दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे जॉब पा सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको मेरे थ्रू सीवी कल्टर बना के जॉब अप्लाई कराना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिया गया व्हाट्सअप नंबर।